जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करता है आपका दोस्त। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करेंट अफेयर्स आपके लिए लेके आया हूं। आज 7 जुलाई है, आज के करेंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, सेंट्रल रेलवे, हिंदी में इसका नाम मध्य रेलवे, का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका सही जवाब है मुंबई में। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दी हुई है, आप वहां से पिछला वीडियो देख सकते हैं। सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। अच्छा, सेंट्रल रेलवे जो है इसकी शुरुआत 5 नवंबर 1951 में हुई थी। सेंट्रल रेलवे के 5 डिवीज़न हैं। पहला डिवीज़न है सोलापुर, दूसरा पुणे डिवीज़न, तीसरा मुंबई डिवीज़न, चौथा भुसावल डिवीज़न, पांचवा नागपुर डिवीज़न। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी। उस समय जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, जो वर्तमान में सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। चलिए आज के क्वेश्चन से आप शुरू करते हैं। धर्म चक्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही जवाब है बी, 4 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 4 जुलाई 2020 को धर्म चक्र दिवस के रूप में अपाण पूर्णिमा मना रहा है। यह दुनिया भर में बौद्धों के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र के घूमने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बुद्धों और हिंदुओं के दोनों ही लिए अपने अपने गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, जो धर्म चक्र है उसमें वो बनारस के जो सारनाथ है वहाँ पे भी उसके स्तूप में लगा हुआ है। और जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो आप बीच में जो चक्र देखते हैं वो भी धर्म चक्र से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल में ही किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। इसका सही जवाब है बी, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। जो कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है नई दिल्ली में वो गलवान घाटी के शहीद सैनिकों के नाम पर बनाया जाएगा। उसमें जो वार्ड होंगे उसमें जो गलवान घाटी हमारे शहीद सैनिक हो गए थे उनके नाम पर बनाए जाएंगे। अच्छा, कोविड-19 कोरोना वायरस इससे रिलेटेड भी हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, आपको अगर देखना हो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। आप उससे भी कोरोना वायरस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रश्न में आएंगे, जितने भी इस समय वर्तमान में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें वो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। आप उस चैनल लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। DRDO बना रहा है देश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल। अच्छा, ये दिल्ली के छतरपुर एरिया में इसको बनाया जा रहा है। इसका जो मैनेजमेंट है वो ITBP के जवानों के पास होगा। 2000 से ज़्यादा वहाँ पे ITBP के जवान होंगे। DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1958 में हुई थी। DRDO का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा भी किया था और चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका सही जवाब है डी, पीटर फुल्टन। पीटर फुल्टन ने अपने बल्लेबाजी कोच से न्यूजीलैंड की टीम से
इस्तीफा दे दिया है। कैंटरबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी कोच का पद उन्होंने छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुल्टन अगस्त 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए थे। उन्होंने 12 T20 मुकाबले भी खेले हैं। अच्छा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो कैरियर है उसकी शुरुआत 2004 में बांग्लादेश के विरुद्ध की थी और वही उन्होंने 2012 में अपना आखिरी मैच खेला था। आखिरी मैच भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ही खेला था। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम जैकिंडा अर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ए, 14 जुलाई से। 14 जुलाई से केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम की पुनः घोषणा की है। अच्छा, भारत बॉन्ड ETF का जो पूरा नाम होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। अच्छा, ये जो होता है तीन तरीके के फंड जैसे इसमें होते हैं, बॉन्ड्स या होंगे, या स्टॉक मार्केट होगा, या गोल्ड बार जिसको सोने की ईट हम लोग कहते हैं, तो इस तरीके के वहाँ पे ETF में होता है। अच्छा, ये ETF जो है देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड है। इस बॉन्ड में दो मैच्योरिटी अवधि हैं, टेन्योर है। पहला मैच्योरिटी जो है वो 3 साल के लिए होता है और दूसरा मैच्योरिटी टेन्योर जो होता है वो 10 साल के लिए होता है। अच्छा, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स दिसंबर 2019 में की गई थी और उसके बाद बॉन्ड ETF की दूसरी खेप जो है अब 14 जुलाई को पेश होने वाली है। इसका पूरा आकार 14,000 करोड़ रुपए है। आमतौर पर सरकारें राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी करती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पैसे जुटाने के लिए सरकार ने निवेशकों के सामने विकल्प रखा है। पहले सरकार सिर्फ निवेशकों के लिए बॉन्ड लॉन्च करती थी, लेकिन अब छोटे निवेशकों के लिए भी बॉन्ड को लॉन्च किया जाएगा। पहले जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते थे उन्हीं के लिए बॉन्ड्स लॉन्च होते थे, अब जो MSME जो है, लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय के जो निवेशक हैं वो लोग भी इसमें अब निवेश कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 6.4%। फ्रेंड्स, अभी कोरोना काल चल रहा है पूरे विश्व में, भारत में भी इसका पूरा असर चल रहा है, जिस वजह से अलग अलग रेटिंग एजेंसी, जैसा आप हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, अलग अलग रेटिंग एजेंसी अपना अपना अनुमान बता रही है कि कितना अर्थव्यवस्था भारत का सिकुड़ेगा या गिरेगा। रेटिंग एजेंसी जो है COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन भी जो लगा था उससे आर्थिक स्थिति पे प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का GDP ग्रोथ रेट को घटा दिया है। अच्छा, ये GDP जो होता है उसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसी के आधार पर देश की GDP होती है। तो उनके अनुमान से यह है कि 1.5 से 1.6% तक की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 4 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, सहकारिता दिवस, सहकारिता का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन, मतलब मिल के काम करना। इसको संयुक्त राष्ट्र ने जो दिया है कि हर जुलाई के प्रथम शनिवार, डेट इसमें कोई फिक्स नहीं है, बस ये रहेगा कि जुलाई के महीने में जो पहला शनिवार रहेगा उसी को
इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे या अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का कारण है कि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ये आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में सहकारी आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है। कोई भी बड़े तरीके का कोई इशू होता है उसमें संयुक्त राष्ट्र जितने भी उसके सहयोगी देश हैं उनसे मदद मांग के हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्क के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य के फूड पार्क को पुनर्डेवलपमेंट करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। फ्रेंड्स, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नाटक राज्य के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर कार्यक्रम के लिए फूड पार्क के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? इसका सही जवाब हो जाएगा 4,000 करोड़ रुपए। राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचों में सुधार किया जाएगा और अधिक पार्क को स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। राज्य में कृषि स्टार्टअप को फूड पार्क में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फूड पार्क मैलूर, बालंकोट, हिरग्यारगुरु और जैवारगी में बनाया जा रहा है। फूड पार्क कर्नाटक लिमिटेड को इन पार्कों को प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाएगा। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर का नाम वजूभाई बाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में ही एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है ए दिल्ली ने। दिल्ली राज्य सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च किया है। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। इस अभियान में नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ावा करके पर्यावरण को सुधारने के लिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने साल 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। अच्छा, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं गोपाल राय। ये दिल्ली सरकार के हैं फ्रेंड्स। और केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मुख्यमंत्री, केंद्रीय जो हैं पर्यावरण, क्षमा चाहता हूँ, केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है श्री प्रकाश जावड़ेकर। ये जो हैं पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन के भी मंत्रालय के ये मंत्री हैं। दिल्ली की नई दिल्ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अफ्रीकी देशों में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है? इसका सही जवाब है बी बोट्सवाना। अफ्रीका का एक देश है बोट्सवाना, वहां पे 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। बोत्सवाना में विश्व का सबसे बड़ा ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनलैंड डेल्टा रीजन है। यहाँ पे सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी स्थित में बोत्सवाना एक भू आबाद देश है। बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े हाथी आबादी वाला देश है। 2014 में
ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बोत्सवाना की जो राजधानी है वो गबोरोने है। बोत्सवाना को इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोत्सवाना बोलते हैं, तो उसका इंग्लिश में जो नाम है रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना पूरा नाम है। बोत्सवाना की जो मुद्रा करेंसी है उसका नाम बोत्सवाना पुला है। एक बोत्सवाना पुला भारतीय 6.39 भारतीय रुपए के बराबर है। बोत्सवाना के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम मॉर्गन स्वान ग्रेई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ को कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? इसका सही जवाब है डी 40। 40 साइट्स को केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस की ब्लॉक कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल में ही घोषणा की है कि अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने को लेकर प्रबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दी गई है। अमेरिका स्थित SFJ एक खालिस्तान समर्थक समूह है। गृह मंत्रालय के प्रवर्तक ने ये कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए अधिनियम UAPA, अच्छा UAPA का जो पूरा नाम होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसमें अगर आप देश के विरुद्ध अगर कुछ कर रहे हैं या जिससे देश को हानि होगा, आप देश के विरुद्ध में कुछ बोल रहे हैं, तो ये एक्ट लगाया जाता है। UAPA 1967 के तहत सिख फॉर जस्टिस SFJ को एक गैर कानूनी संगठन है। गृह मंत्रालय ने अलगाववादी खालिस्तीनी संगठन से जुड़े 9 लोगों को 1 जुलाई को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स आपके लिए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।